नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी कुक बुक। सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है जन्माष्टमी स्पेशल, जो कि है मोहन थाल। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद रेसिपी। मोहन थाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप बेसन ले लिया है, और इस 2 कप बेसन में हम ले लेंगे 3 टेबलस्पून घी। और इस घी को इसमें डालने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे, जैसे हम मैदा में मोयन देते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अब यहाँ पे 5 मिनट इसे घी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल क्रम्बली हो गया है, जो कि पहले चिकना था। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून दूध, और इसे भी हम जैसे हमने घी के साथ इसे मिक्स किया था वैसे ही इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने दूध के साथ बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रमी हो गया है, और हमें दानेदार मोहन थाल बनाने के लिए इसका यही टेक्सचर चाहिए। लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारे आप देख रहे होंगे ये जो हैं ग्रेन्यूल्स, ये बहुत मोटे मोटे हैं, तो इन्हें हम पहले इस छन्नी से स्ट्रेन कर लेंगे इसमें, ताकि इसके जो ये ग्रेन्यूल्स हैं वो थोड़े महीन हो जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है बेसन दूध और घी के मिक्सचर को, ये काफ़ी फाइन हो गया है। तो अब हम मोहन थाल बनाने के नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई में 3/4 कप पिघला हुआ घी ले लिया है, और इस बात का खास ध्यान रखें कि बेसन को मिक्स करते समय या फिर अभी भूनते समय आपको पिघले हुए घी का ही मेजरमेंट में यूज़ करना है। तो चलिए अब हम पहले घी में बेसन के इस मिक्सचर को डाल लेते हैं, और हम इसे अच्छे से घी के साथ मिक्स कर लेंगे। इसे भुनने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, जैसा हमें डिज़ायर्ड इसका कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी आपको ड्राई सा लग रहा होगा कि जैसे घी इसमें कम हो, लेकिन जैसे जैसे घी भुनने लग के साथ बेसन भुनने लगेगा ये बेसन सारा घी रिलीज़ कर देगा। दस मिनट अच्छे से भूनने के बाद आप बेसन का टेक्सचर देख पा रहे होंगे, इसने घी अच्छे से रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। इसमें आपको ये साइड साइड में बबल्स और थोड़ा सा झाग जैसा दिखाई दे रहा होगा, इसका ये मतलब है कि हमारा बेसन जो है वो अच्छे से भुन रहा है। लेकिन अभी इसे हमें और जो है वो अबाउट 10 से 12 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि इस पर जो है ऑरेंजिश ब्राउन कलर आ जाए, जो कि मोहन थाल का एक्चुअल कलर होता है। तो चलिए फिर अब हम इसे और अच्छे से भून लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसन का कलर जो है वो ऑरेंजिश ब्राउन हो गया है। हमें इसे इस स्टेज तक अच्छे से भून लेना है, और आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी दानेदार भी दिख रहा है। हमें इसे इसी स्टेज तक भून लेना है, और बेसन की भुनने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और हम इस मोहन थाल में मावा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसमें मावा नहीं डालेंगे, तो हम इसमें इसी स्टेज पर ऐड कर लेंगे दूध। अगर आप मावा डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर मावा भी डाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये 1/2 कप दूध लिया हुआ है, और इस दूध को हम 3 बैचेस में डालेंगे। पहला बैच डालने के बाद आप देख रहे होंगे ये कितना सिजल हुआ है, लेकिन हमें इसे मिलाना नहीं रोकना है, हमें इसी ऐसे ही इसी स्टेज पर मिलाते रहना है। और देखेंगे आप ये थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा, और जैसे ही ये गाढ़ा होगा हम इसमें फिर से दूसरा बैच दूध का डालेंगे। अब आप देख सकते हैं दूध का पहला बैच पूरे तरीके से ड्राई हो चुका है, अब हम इसे दूसरा बैच ऐड करेंगे इसमें, और अब हम इसे फिर से पहले की तरह ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने दूसरा बैच डाला था वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर चुका है बेसन, आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल खुले खुले और दानेदार बेसन को। अब हम इसमें अपना ये बचा हुआ दूध भी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके इसको भी सूखने तक पका लेंगे।
देख रहे होंगे आप बेसन का कलर कितना अच्छा ऑरेंजिश ब्राउन आया है, जैसा मोहन थाल का कलर होता है, हमें इसी तरह का चाहिए। बस इसे अब हमें थोड़ा सा और भून लेना है और ये हो गया है। अब आप देख सकते हैं बेसन बहुत अच्छे से भून चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। हमें इसे इस स्टेज तक भूनना है और अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे और तब तक हम अपनी चाशनी रेडी कर लेते हैं। अब चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चीनी में 3/4 कप पानी ले लिया है और हम इसकी पहले 1 तार की चाशनी बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाशनी अच्छे से उबल रही है और ये चिपचिपा भी हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसमें 1 तार की चाशनी बनानी है। और इस स्टेज पर हम इसमें ये केसर मैंने कुछ स्ट्रैंड्स भिगो के रखे हुए थे, इसका पानी भी ऐड कर लेंगे जिससे कि मोहन थाल का कलर और भी उभर के आएगा। तो चलिए फिर हम इसकी 1 तार की चाशनी रेडी कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है और हमें 1 तार की चाशनी चाहिए थी और यहाँ पर हमारी चाशनी में 1 तार जो है वो बन रहा है। हमें इसी स्टेज तक चाशनी को पकाना है। और अब यहाँ पे जो बेसन हमने भून के रखा हुआ था वो भी हल्का ठंडा हो चुका है, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसमें चाशनी मिक्स करें तो ये बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है और अब हम इसमें पहले चाशनी ऐड कर लेंगे। और चाशनी को बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है चाशनी के साथ और हमने अब फ्लेम को ऑन भी कर दिया है। अब मुश्किल से 5 से 8 मिनट लगेगा हमारी की इस मिक्सचर को पूरी तरीके से प्रिपेयर होने में, सेटिंग कंसिस्टेंसी तक पहुंचने में। तो चलिए अब हम चाशनी को थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं बेसन के साथ। अब आप देख सकते हैं बेसन ने चाशनी को बहुत अच्छे से सोख लिया है और ये बहुत अच्छे से भून रहा है, लेकिन अभी अगर हम इसे सेट करने को डालेंगे तो इसे सेट होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि अभी भी ये काफ़ी गीला है, मतलब हलवे की कंसिस्टेंसी का है। अगर आप इस स्टेज पर इसे खाएंगे तो ये बिल्कुल बेसन के हलवे जैसा ही टेस्ट करेगा। इस स्टेज पर हम इसमें ये 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर भी ऐड कर लेंगे। आप इसमें अपने पसंद का कोई भी फ्लेवर ऐड कर लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब आप देख रहे होंगे ये धीरे धीरे कितना दानेदार दिख रहा है ना? और जब आप इसे पूरे अच्छे से कुक करके सेट करेंगे तो बहुत अच्छे, मार्केट से भी अच्छे मोहन थाल बन के तैयार होते हैं ये। तो चलिए हम इसे अच्छे से सेटिंग कंसिस्टेंसी तक भून लेते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल रेडी है ये मिक्सचर और अब हम इसे सिर्फ एक बेकिंग टिन या फिर किसी भी मोल्ड में सेट कर लेंगे। तो चलिए अब हम मिक्सचर को जो है इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे हम सेट कर लेंगे। इसे अच्छे से हम इस मोल्ड में सेट कर लेंगे और इसे आप किसी भी अपने पसंद के गार्निश से सजा सकते हैं, चाहे रोज़ पेटल्स हो, पिस्ता हो या फिर चांदी का वर्क हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आपको पसंद हो। और इसे सेट होने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसे पिस्ता से गार्निश कर लिया है जो कि टेस्ट भी बहुत अच्छा करते हैं और इसे एक बहुत अच्छा लुक भी देते हैं। तो अब हम 4 घंटे के लिए इसे बाहर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 4 घंटे बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मोहन थाल बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसे डीमोल्ड करके डिज़ायर्ड शेप में कट कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मोहन थाल कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है, ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, एकदम मार्केट जैसी लग रही है ना। तो चलिए अब हम इसे डिज़ायर्ड शेप में कट कर लेते हैं। तो देखा आपने कितनी इजीली ये कट गए
और मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये कितनी दानेदार दिख रही है, देख रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मोहन थाल बनके बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं ये देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। और मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बनी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इसे एक ट्राई ज़रूर दें और ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। नेक्स्ट रेसिपी में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।